पर यहाँ पे बहुत ज्यादा कांटे हैं कसम से। शक्ति शक्ति हाँ हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है शक्ति विलेज जा रहे हैं और हमने बहुत सी तारीफें हमने सुना है शक्ति के बारे में कि बहुत सुंदर विलेज है। तो आज हम खुद चल के देखेंगे कैसा है और वहाँ पे जो है मेरी मौसी भी रहती है तो हम उनसे भी ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, तो प्लीज़ हमारे साथ जो है वीडियो में आप बने रहिए। और हम पहुंच चुके हैं चोगलम सर और बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही बड़ा टिबेटन सेटलमेंट है पूरे लद्दाख में। और ये जो राइट साइड पे आप जो बड़ा सा ग्राउंड देख रहे हैं ये जो है जिवेत्सल ग्राउंड है और हमारे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जितने भी टीचिंग्स होते हैं वो यहीं पे होते हैं लेह में। तो बहुत ही बढ़िया जगह है गाइस, मेरे भी बहुत सारे यहाँ पे टिबेटन फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे जो है दलाई लामा जी का फोटांग भी है जो कि अभी शायद मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि पेड़ पौधों के बीच में पूरा एकदम ढका हुआ है, एकदम कवर्ड है, यहाँ से दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे जो है बहुत कुछ आने वाला है तो हमारे साथ जो है बने रहिए। ये है शक्ति विलेज, देखिए कितना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया विलेज है। एक्सपेक्ट नहीं किया था जब वहाँ से हम आ रहे थे कितना सुंदर होगा, लेकिन यहाँ पे तो मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी तो खैर हम बिल्कुल ही एंडिंग है विलेज का ना, अभी हम यहाँ से और अंदर जाएंगे, यहाँ ऊपर चढ़ाई में जाएंगे और तो मेन गाँव तो ऊपर ही है, ये तो उससे पीछे का एक छोटा सा पार्ट है। बहुत ही सुंदर गाँव है।
तो अभी हम नीचे चलते हैं और नीचे जाके देखेंगे, वहाँ पे मेरी मौसी का जो है वहाँ पे खेत वगैरह है, एग्रीकल्चरल फील्ड्स वगैरह है, तो नीचे जाके देखेंगे। और बाकी तो खैर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सकती में, बहुत ही बढ़िया जगह है। बस एक चीज़ की कमी है, वो ये है कि सकती जो है बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से यहाँ पे एप्पल ट्रीज और एप्रिकॉट ट्रीज जो है यहाँ पे मिसिंग है, तो वो आपको कहीं भी जो है दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा तो सब चीज़ बढ़िया है यहाँ पे। और इसका एक दूसरा नाम भी है इस विलेज का, जो है शक्ति। शक्ति सक्ति को तो ग्रीफ वालों ने डाला है। हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे सही है, और आप देख सकते हैं ये ग्राफ, देख सकते हैं यहाँ का व्यू। हमारा आज का संडे बहुत ही अच्छा बीत रहा है गाइस, पर यहाँ पे बहुत ज्यादा कांटे हैं कसम से। और आपको कभी भी यहाँ पे स्लीपर्स पहन के नहीं आना पड़ेगा। और ये देखिए आप, ये मेन स्ट्रीम है इस विलेज का, और इसमें पानी जो है बहुत ही कम है, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, और आई थिंक जून इज लिटिल बिट अर्ली फॉर द ग्लेशियर्स टू मेल्ट। तो मेरे ख्याल से जुलाई, मिड जुलाई या जुलाई एंडिंग तक जो है ग्लेशियर्स जो है जल्दी पिघलने लगेगा, और शायद पानी का फ्लो भी उस टाइम पर ज़्यादा होगा। अभी तो खैर आप देख सकते हैं पानी का फ्लो बहुत ही कम है यहाँ पर। तो चलिए, अब बहुत घूम लिया, नाउ इट्स टाइम टू हैव सम चाय पराठा एट माय आंट्स प्लेस। तो ये सक्ति मोनेस्ट्री है, हम चाह रहे थे कि हम मोनेस्ट्री जो है वर्शिप करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है यहाँ का जो मॉन्क इंचार्ज है वो अभी इस वक्त नहीं है, और मोनेस्ट्री में ताला लगा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, तो हम इस बार जो है वर्शिप नहीं कर पाएंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो वी आर नाउ हेडिंग बैक टुवर्ड्स ले, एंड ऑन द वे वी विल स्टॉप एट शे पैलेस, एंड वी माइट नॉट गेट एनफ टाइम टू वर्शिप द पैलेस, बट डेफिनेटली वी विल feed some biscuits to those lovely fishes over there, so stay tuned with us. Oh,
है बिल्कुल रास्ते में है और ये रास्ते में शे पैलेस पड़ता है और ये पैलेस जो है बहुत ही फेमस है गाइस, क्योंकि ये जो लद्दाख का जो फर्स्ट ऑफिशियल किंग था लचन स्पालगीगोन, वो जो है उनका पैलेस यही था, वो यहीं रहते थे। तो ये इसलिए बहुत फेमस है। किसी दिन जो है अंदर जाके हम वर्शिप करेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया। तो अभी यहाँ पे जो है एक यहाँ पे पॉन्ड है, एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है। यहाँ पे बहुत सारे जो है फिशेस आप देख सकते हैं, बहुत सारे फिशेस हैं यहाँ पे और इनको हम अभी फीड करेंगे बिस्किट्स वगैरह। So guys, I would like to end my video here and kindly support my channel with your subscription and very soon I will come up with the next video. Till then, do take care of yourselves.